सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्क का. इन दिस वीडियो वी विल सी द ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड देन वी विल गेट इट टू द डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ दिस फाइलम मोलस्क का. सो देखते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है. तो फाइलम मोलस्क का जो बेसिक मीनिंग है, इसका मतलब है कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. फाइलम मोलस्क का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. And this phylum includes organisms like snails, mussels, cuttlefish, octopus, ठीक है, वही फुटबॉल वर्ल्ड कप वाला भविष्यवाणी करने वाला, ठीक है. And this phylum or organisms of this phylum show a variety of mode of life as marine, benthic, sessile, mobile, nectic, freshwater, terrestrial और planktonic habit. Okay. इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है कि फाइलम मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं. और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होंगे तो क्या होगा कि उनके ऊपर बाकी एनिमल्स का थोड़ा सा डेंजर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एज ए फूड की तरह काम करेंगे जो बाकी प्रेडेटर्स हैं, स्क्विंजर्स हैं, जो भी हैं. तो उसके लिए इनका क्या है कि ए वेराइटी ऑफ मोड ऑफ लाइफ इनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि अपने आप को मैक्सिमम सर्वाइवल मोड में रख सकें. सो अब क्योंकि सॉफ्ट बॉडी है तो उनको अपने आप को बचाना पड़ेगा. अपने आप को बचाने के लिए इनको तेज़ी से स्विम भी करना पड़ेगा. और जैसे ये आपका ओशन, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं. जैसे ये आपका ओशन बेसिन है और यहाँ पे वाटर कॉलम है. मान लो यहाँ पे फाइलम मोलस्क का रह रहा है और ये वाटर कॉलम है, यह आपका बॉटम है. तो कई बार क्या होता है कि इसको जैसे दूसरे एनिमल्स अपने आप को एज ए फूड सोर्स देखते हैं मोलस्का के, फाइलम जो फाइलम मोलस्का उसके ऑर्गेनिजम्स को, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या तो तेज़ी से स्विम करेगा इधर उधर, या फिर क्या करेगा अपनी मोड ऑफ लाइफ को चेंज करेगा. बॉटम पे आएगा तो क्या करेगा, या तो सेसाइल बन के रह जाएगा एकदम चिपक के, या फिर क्या करेगा ब्रोइंग एक्टिविटी भी शो करेगा. सो एक तो इसको बहुत तेज़ी से स्विम करना पड़ेगा, इसके वजह से स्पेसिफिकली इसके अंदर एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक डेवलप फीचर डेवलप हुआ जिसको आप बोलते हैं जेट प्रोपल्शन सिस्टम. और स्पेसिफिकली ये आपके फाइल जो क्लास है सिफिलोपोडा उसके अंदर ही आपको मिलता है, ठीक है. तो डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ होने का कारण सीधा से ये कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, इसके वजह से बाकी जो एनिमल्स हैं उनका ये फूड सोर्स की तरह काम करता है. उसके वजह से इनको बहुत सारी मोड ऑफ लाइफ इनको अडॉप्ट करनी पड़ती है. ये सेसाइल भी हैं, वेजाइल भी हैं, बेंथिक भी हैं, और ये बरोइंग एक्टिविटी भी शो करते हैं. मतलब इनफोनल और एपिफोनल दोनों हैं. तो इनकी जो इकोलॉजी है फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स की जो इकोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसी वजह से गेट, जेम में और GSI के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके इकोलॉजी से रिलेटेड. तो अपन वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपने को फाइलम मोलस्का में पढ़ना क्या क्या है क्लास. अब देखो, आपको मैंने फाइलम जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी उसमें बताया था कि लार्जेस्ट कैटेगरी और ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक यूनिट्स इज किंगडम एंड देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. एंड स्पीसीज वर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट्स. तो इसके अंदर जब फाइलम मोलस्का को फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो वी विल गेट क्लासेज. तो इसके अंदर अपने को मेनली तीन क्लास पढ़नी है, थ्री क्लासेज, दैट इज बाइवोल्विया, सिफिलोपोड एंड गैस्ट्रोपोड, ठीक है. सो इनको अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फाइलम मोलस्का एंड यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन बाइवोल्विया एट द सेम डे, ठीक है. ये जैसे ही वीडियो आएगा उसके तुरंत बाद आपको बायोवोलिया के ऊपर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.